अस्सलाम वालेकुम। आज हम जुब्बा का कटिंग दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए जुब्बा 53 इंच लेंथ है जुब्बे का, 37 इंच चेस्ट है, 35 इंच बेस्ट है और 37 इंच हिप भी रहेगा। 15.5 शोल्डर है, 22.5 इंच आस्तीन का लेंथ है, 10 इंच मोड़ी है, 16 इंच कॉलर है, 15 इंच आर्म होल है। ये जो कपड़ा का है ना, इसे डबल कर लेंगे, तो पल्ला को डबल कर सबसे पहले एक सीधा मार्क लगा लेंगे, फिर इस पर 1.5 इंच पे मार्क लगाएंगे, फिर इसका 3 इंच पे मार्क लगाएंगे। अभी यहाँ से हम 15 इंच आर्मोल है, 7.5 पे मार्क लगाएंगे और 16.5 इंच पे मार्क लगाएंगे बेस्ट, 24 इंच हिप का मार्क लगाएंगे। ये 24 इंच हिप तक ही हम इसको अभी कट करेंगे, बाद में इसको ऊपर करके कट करेंगे, जगह कम है। शोल्डर है 15.5, शोल्डर के हिसाब से हम सामना कट करेंगे, सीधा स्ट्रेट लेंगे और नीचे शेप देंगे थोड़ा। पहले सीधा सीधा मार्क लगा देंगे, यहाँ पे 2.5 इंच का मार्क लगाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करेंगे, अभी ये पॉइंट से लेके फिलहाल में हम चेस्ट का मार्क लगाएंगे। अभी लेंथ का मार्क नहीं लगाया हूँ, 24 इंच है, पहले इतना कट कर लेंगे, बाद में लेंथ का मार्क लगाएंगे। तो हमारा ये चेस्ट इतना रहेगा, तो हम यहाँ 1.5 इंच, यहाँ पे जो साइड का कली है 1.5 इंच रहेगी कली, कली कम ज़्यादा रहता है, साइज के हिसाब से रहता है, ये फिटिंग है। अब यहाँ से हम हल्का यहाँ ये कोना से ये कोना तक क्रॉस में मार, यहाँ थोड़ा अंदर ले लेंगे, इससे क्या है यहाँ का हिस्सा कली है ना, ज़्यादा दिखेगा, और बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे ना तो ज़्यादा नहीं दिखेगा। फिलहाल में हम इसको इतना कट कर लेंगे, ये बैक गला हो गया और ये सामने का गला हो गया। पहले हम बैक को कट करेंगे, यहाँ तक 24 इंच का नाप बताना है इसको, यहाँ पे 53 पे मार्क लगाएंगे, 0.5 इंच बढ़ के लगाएंगे, ऊपर मार्जिंग जाएगी, हम इसको सीधा मार्क लगाएंगे, इसमें 2 इंच मार्जिंग देंगे। इसको कट कर लेंगे, अब यहाँ से सीधा मार्क लगाएंगे,
ये फ्रंट बैक दोनों कट गया। अब ये पल्ला को हम ये बैक पल्ला को साइड कर लेंगे। अब ये फट ये कोना से यहाँ तक का 12.5 इंच पे मार्क लगाएंगे ताबीजी के लिए। तो इसको 20 से कट कर लेंगे। यहाँ पे एक चक्का मार लेंगे। यहाँ से आस्तीन लगेगी। ये दो पल्ला है, एक बार में दो कली कर दीजिए। सैंतीस एक चेस्ट है, उसका चौथा हिस्सा 9.25 इंच रहेगी। यहाँ पे मार्क लगा लेंगे। और यहाँ पे 35 इंच बेस्ट है, 9.25 इंच रहेगी। यहाँ पे मार्क लगाएंगे। यहाँ पे भी 37 रहेगी, यहाँ पे मार्क लगा लेंगे चौथा हिस्सा। अब इसको अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे 9.25 इंच है, यहाँ पे भी 9.25 इंच पे मार्क लगा लेंगे। और इसमें घेरा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं हम। इसको 27 इंच घेरा देना है। अब इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 28 भी कर सकते हैं। तो इसमें चलने फिरने में तकलीफ ना हो, इसके वजह से हम इसको 28 देंगे। अब यहाँ से सीधा मार्क लगाएंगे। इस तरह इसका मियाँ नहीं रहेगी, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगी। इसी तरह आपको दो कली और कट कर लेना है। मैं बात यहाँ से 8 इंच पे मार्क लगाएंगे पैकेट के लिए, और यहाँ पे 7 इंच का, दोनों को मिलाकर चक्का कट लें। हम आस्तीन कट करेंगे, 22.5 इंच आस्तीन का लेंथ है। दस इंच मोरी है। पंद्रह इंच आर्मोल है। अभी यहाँ से सीधा मार्क लगाएंगे, हल्का सेव रहेगी अंदर में। इसी तरह से आपको दूसरा आस्तीन भी कट कर लेना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया जुब्बा कटिंग।